हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और साथ ही साथ बच्चों को स्कूल के लंच देने के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। तो लंच में आज मैं बच्चों को चीला देने वाली हूँ, मीठा वाला चीला। तो मैं वीक में दो बार बच्चों को चीला दे देती हूँ, और मेरे बच्चों को मीठा वाला चीला बहुत पसंद है और उसमें बनाती हूँ, बहुत हेल्दी हूँ। उसको दूसरे साइड देती हूँ आटे को, उसके बाद फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देती हूँ और बनाना भी एक मैश करके डाल देती हूँ, जिसकी वजह से बहुत हेल्दी हो जाता है और टेस्टी भी हो जाता है और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वीक में दो बार मैं चीला दे देती हूँ और फिर कभी पूरी वीडियो को दे देती हूँ। अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट वीक में चीज़ों को मैंने बांट दिया है, तो देने में मुझे बनाने में भी ईजी होता है, बच्चों को खाने में भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए फिर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मम्मी जी को चाय दे देती हूँ क्योंकि मम्मी पूजा कर चुके हैं और बच्चों को स्कूल जाने के लंच रेडी कर देते हैं। आप सभी बने रहो मेरे यूट्यूब पे, एंड तक देखो वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेट हो रहा है बच्चों, क्या कर रहे हो? नहाओ धो। तुम तो मम्मी का ब्रश भी नहीं किया, राइट? हाँ, ब्रश नहीं किया ना? यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी करो भाई, लेट हो रहा है, नहाओ धो। जल्दी करो बच्चों, लेट हो रहा है। मतलब एक लोग रूम में, कोई एक रूम में चले जाओ ना, उसमें तो ड्रेसिंग है, दोनों एक ही जगह लटके हो। क्या बता, बाय। प्रणाम मम्मा। खुश रहो बेटा, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। क्या बाबू नहीं टन पा रहे बेटा? रुको लो। कितना पसीना हो रहा था, बाल पूरा चमक रहा है, नहाए धोए हो तब भी। क्या हुआ, वापस क्या रहे हो? पूछ रहे हो बेटा, पढ़ा लिखा नहीं। आपकी बात दो कि मैं अच्छी से अपनी स्पीच बोल पाऊँ। हाँ, स्पीच दो क्या, बढ़िया से बोलो। रिपीटेशन की होगी, स्पीच अच्छा जाएगा ही। बाय मम्मा। बाय बेटा। नहीं, पम पम नहीं है, चलो बाय। एवरीवन, तो बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, पति देवी गए कोर्ट और मैं खाना ना बना चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने मम्मी जी को खाना दे दिया, उन्होंने खा लिया, मैंने भी खा लिया है। पर आज एक प्रॉब्लम हो गई जो आप शेयर करना चाहती थी, पता क्या हुआ? मैंने ये देखो, आज एक प्रॉब्लम हो गई, ये देखो आप सभी, है ना? पता क्या हुआ, मेरा हाथ जल गया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि क्या क्या दो सब्जी काटी थी,
तो शिमला मिर्च की सब्जी मैंने कुकर में बना दी और सीताफल की सब्जी मैंने कढ़ाई में बनाने के लिए गैस पर रख दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाला ही था तब तक दूध वाले भैया आ गए, उन्होंने बैल बजाई, तो मैं चली गई दूध लेने के लिए। और जब मैं दूध लेकर आई ना, तेल काफी गर्म हो चुका था। ठीक है, और फिर जो मैंने प्याज का तड़का था, जो मैंने प्याज कट किया था लहसुन तड़के लगाने के लिए, तो उसको मैंने पानी मैं उसको पानी से धो लेती हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने धोया था, तो मैंने ये नहीं सोचा कि तेल इतना ज्यादा गर्म है कि मुझे दिक्कत हो सकती है। बस मैंने क्या किया, प्याज उठाया यूँ तड़के में डाल दिया, उसके बाद खूब जोर से तेल छिटक के आया और मेरे हाथ में पूरा फैल लग गया। इतना जलन हुआ ना गाइस, इतना जलन हुआ, इतना दिक्कत हो रहा है, आप मतलब समझ सकते हो, मैं तो बता रही हूँ आपसे ना, इतना जलन कर रहा था और ये पूरा एरिया जितने मैंने ये लगा रखा है ना पेस्ट, पूरा लाल हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर तो मेरे से कोई काम नहीं करते बन रहा था। तो एक चीज़ तो मुझे सबक मिल गया, वैसे ये कहावत है तो बहुत पुरानी, जल्दी काम शैतान का। तो मैं आपसे भी सुना बस यही कहना चाहूँगी, जल्दबाजी में कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कल को हमारे लिए कोई दिक्कत हो जाए। जल्दबाजी में हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए, कष्टदायक हो जाए। तो खुद पे जब बीतती है ना तब पता चलता है। वैसे तो कई बार ऐसा हो ही जाता है हमारे के साथ, जैसे मान लो कि रोटी बना रहे हैं तो हाथ से हाथ जल जाता है ना, तब अभी हाथ चला जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो ये तो आए दिन हम औरतों के साथ होता ही रहता है, लेकिन आज जो हुआ है ना सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। तो चलिए ये सब तो होता रहेगा, अब चलती हूँ जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 1 बजे और मेरे सारा काम जब तक मैं निपटा के फ्री होती हूँ तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो अभी तो मैंने खाना खाया, मम्मी जी को भी खाना दिया और अब जा रही हूँ झाड़ू बर्तन पोछा और फिर कपड़े धो के डालने हैं छत पे, बहुत सारे काम है। आप सभी बने रहो मेरे वीडियो पे एंड तक, देखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब। तो ये थी मेरी अब तक की व्लॉग अनबॉक्सिंग वीडियो, इससे आगे की वीडियो आपको मिलेगी इवनिंग टाइम में, बने रहिए मेरे वीडियो पे एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।